हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आई एम डॉक्टर रजत मालू। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे एक डीडीएच बच्चे की सक्सेसफुल सर्जरी। ये बच्चा बीकानेर का था और एक साल तक इनके पेरेंट्स को ये पता नहीं लगा कि बच्चे को का जो कूल्हा है लेफ्ट साइड का, वो जन्म से उतरा हुआ है, जिसको हम मेडिकल टर्म्स में डीडीएच या कंजेनाइटल डिसलोकेशन ऑफ हिप बोलते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही रेयर डिजीज़ है और इसका बहुत ही स्पेशलाइज ट्रीटमेंट करना होता है। और यदि इसका ट्रीटमेंट सक्सेसफुल हो जाए तो बच्चा बिल्कुल नॉर्मल हो सकता है, अपनी सारी एक्टिविटी को नॉर्मली कर सकता है। तो देखिए बच्चों, आज जो ये जो बच्चा है, ये हमारे पास एक साल पे जब आया था तो ये चलने में इसको लचक रहती थी, पैर छोटा बड़ा था। और उसके बाद इन्होंने किसी लोकल पीडियाट्रिशियन को दिखाया, उन्होंने फिर हमारे पास रेफ़र किया। तो हमने जब देखा तो बच्चे को लेफ़्ट साइडेड जो हिप था ये उतरा हुआ था। इस बीमारी की सबसे ये खासियत होती है, इसमें जो बच्चे को पेन नहीं होता, इस वजह से ये बच्चा जो है चलता रहता है और ये डिजीज़ जो है वो मिस हो जाती है। तो मेरा पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि यदि आपको लग रहा है कि आपके बच्चे के चलने में थोड़ी बहुत भी मिस्टेक है या साइज़ में ऊपर नीचे है पैर, तो आप सबसे पहले हिप का एक्सरे करवाइए। और कई बार ये बीमारी उसमें एक्सरे में आराम से पकड़ में आ जाती है। इसके बाद ये बच्चा जब हमारे पास आया तो हमने इसका सर्जरी किया। सर्जरी के बाद 3 महीने तक प्लास्टर रहा और उसके बाद अब 2 साल हो गए हैं बच्चे को। बच्चा सारी एक्टिविटी कर पा रहा है, नॉर्मल लाइफ, जंपिंग, रनिंग सब कुछ कर पा रहा है और ये एब्सोल्युटली ठीक हो गया है। तो आइए देखते हैं इसका पूरा वीडियो। ये वीडियो एक साल के बच्चे का, और आप देख पा रहे हैं कि लेफ़्ट जो हिप है ये उतरा हुआ है। ये ऑपरेशन के बाद का वीडियो है और ये पूरी तरीके से सामान्य इसका हिप है। एपी और लैटरल व्यूज़ हैं और बच्चा पूरी तरीके से एक्सरे वाइज ठीक। वापस जाओ, एक बार वापस आओ। अब वहाँ बैठो, वहाँ पे एक बार आलती पालती बैठो, बैठो आलती पालती, बैठो बैठो, ऐसे घूम के बैठो, ऐसे घूम के। खाना कैसे खाते हैं? मम्मी की तरफ मुंह करके बैठो, उधर बैठो कैसे? चल पैर चौड़े कर। अच्छा, अभी जो कर रहा था वो कर, पैर खुले कर, ऐसे स्टंट करते हैं ना, हाँ ऐसे और कर। अरे वाह, चलो हाँ ठीक है, अब आलती पालती बैठ जाओ, आलती पालती बैठ जाओ। अरे गुड, अब खड़े हो जाओ, पॉटी करने बैठते हैं वैसे, परफेक्ट। चलो खड़े हो जाओ। जी नमस्कार, मेरा नाम गौरव है और मैं बीकानेर का रहने वाला हूँ। कुछ समय पहले मेरे बेटे में पैर में कुछ हिप के अंदर बर्थ से जो प्रॉब्लम होती है वो प्रॉब्लम थी, तो उसकी चाल में थोड़ा सा फर्क आया था। तो हम लोगों को किसी ने सजेस्ट किया डॉक्टर मलोट सर का, डॉक्टर रजत मलोट का। तो 2 साल हो गया, 2 साल पहले मैंने दिखाया डॉक्टर साहब को बेटे को, तो डॉक्टर साहब का कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा था और उन्होंने पूरा कहा कि नहीं मैं एकदम ठीक कर दूंगा बच्चे को। तो हम लोगों ने इसका ट्रीटमेंट लिया, डॉक्टर साहब ने इसका ऑपरेशन किया, सर्जरी की। सर्जरी काफ़ी सक्सेसफुल रही है और आज इस बात को 1.5-2 साल हो गए हैं और बच्चा मेरा भी एकदम परफेक्ट है। कुछ अपने नहीं, मतलब देख कर नहीं कह सकते कि बर्थ से इसको कभी कुछ प्रॉब्लम थी। तो एकदम मैं एकदम संतुष्ट हूँ और उन लोगों को भी मैं कहना चाहता हूँ जिन लोगों के बच्चे में कुछ किसी प्रकार की अगर हिप प्लेसमेंट में अगर या किसी तरीके की चाल में कुछ दिक्कत है तो आप डॉक्टर साहब से ज़रूर मिलिए और आपको एकदम अच्छा रिजल्ट मिलेगा, मैं आशा करता हूँ इस चीज़ की। थैंक यू।